सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ये झूठ नहीं है। अब मां बाप बनने वाले हैं काव्य, और ये झूठ नहीं है। माफ कर दो ना। पापा गलत थे, कहते थे ना कि तुम हमारे लायक नहीं हो, वो गलत थे। असल में आदि, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे धोखेबाज, खुदगर्ज, बेईमान हम नहीं हो सकते हैं। अपनी शादी का घिनौना मजाक नहीं बना सकते हम। कौन झूठा और धोखेबाज है काव्या? मौका सिर्फ हमने दिया है क्या? झूठ सिर्फ हमने बोला है? बातें छुपाने तुमने शुरू की थी काव्या। छुपका तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करना एक बात तुमने हमें नहीं बताई थी। उसका यहाँ आना, तुम्हारे उसके घर जाना, आधी रात को हमारे घर के बाहर आना, तुम्हारे उससे मिलना, उसके साथ फोन पे बात करना, उसके साथ चले जाना, ये सब तुमने हमें नहीं बताया। हम एक एक चीज जानते थे काव्या, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। इस रिश्ते में दूरियां तुम लेकर आई थी काव्या, यकीन तुमने भी तोड़ा है हमारा, लेकिन हम इसे अपनी गलती समझ बैठे। हमें लगा हम तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है काव्या, अपने आपको बहुत छोटा महसूस करने लगे हम। चोट खाया हुआ आदमी कभी कभी गलत जगह मरहम ढूंढने लगता है काव्या। हाँ, हमसे भूल हो गई थी काव्या, हमसे गलती हो गई थी, हम मानते हैं। लेकिन ये धोखा नहीं है, अब भी वक्त है बंसू, यहां से वापस जा सकते हैं, फिर वही आदि और काव्या बन सकते हैं हम। अब वो काव्या नहीं है, और ये इस आदि को हम पहचानते नहीं हैं। काश तुम कभी उस ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़े होते, काश हम तुमसे कभी ना मिले होते। और तुमसे ही कह रहे हो गलती हमारी है, हमसे ही गलती हुई है, हमने कई गलतियां की, और जानते हो क्या, उसे प्यार करना, उसे शादी करना, आदि तुमसे जुड़ी हर चीज हमारे लिए गलत है, और अब हम वो गलतियां दोहराएंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुमसे जुड़े हर बंधन को अपने आप से दूर कर देंगे हम।
कम इन मैम। ये उसी ने किया है, ये उसकी करतूत है, उसने हमें धमकी दी थी कि वो हमसे बदला लेके रहेगी, उसी ने हमारे हमारे बच्चे की जान। तुम अपनी मर्जी से आई थी काव्य, तुमने उन फॉर्म्स पे साइन किए, हमारे बच्चे को तुमने। तुमने खुद किया ये काव्य, इसके लिए यहाँ नहीं आए थे। तुम्हारे चाहे बिना ये नहीं हो सकता था काव्या। आपको भी लगता है कि ये हमने? हाँ, जानबूझ करके आदि को नीचा दिखाने के लिए हमारे पोते की हत्या करा भैया काव्या। कोई माँ कोई औरत ऐसा कर सकती है? हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बस बहुत हो गया, अगर आप लोगों को काव्या पेशा है ना तो जाइए केस कीजिए। अगर हमारे रहते हुए अब काव्या पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। आपके सिग्नेचर चाहिए, वो आपको जो इंजेक्शन दिया था उसकी फॉर्मेलिटीज के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है। कहा था ना काव्य प्रधान, अपनी औकात में रहो वरना ऐसी गत करेंगे कि जिंदगी भर पछताओगी कि सीमा चौधरी से पंगा लिया था तुमने। आज हम कहते हैं काश हम तुमसे कभी मिले ही ना होते, काश तुमसे प्यार ना होता, काश तुमसे शादी ना करते हम। एक खूनी से रिश्ता बना के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया है हमने। कहते रहो हमें खूनी, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर इतना याद रखना कि खूनी तुम भी हो। प्यार की हत्या, विश्वास की हत्या और आज इंसानियत की हत्या की है तुमने। किसी और का दर्द नहीं दिखता ना तुम्हें अपने सिवा, ये भी नहीं दिखता कि एक औरत की कोख भरने से पहले सुनी हो कहीं। जिसकी जिम्मेदार तुम खुद हो काव्या, हमसे सहानुभूति की कोई उम्मीद मत रखना तुम। आज से हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। सही कह रहे, नहीं हमारे दिल में तुम्हारे लिए आज के बाद ना हमें तुमसे कोई रिश्ता रखना है और ना ही कोई नाता। हमें भी आज के बाद हम दोनों के बीच कोई बंधन नहीं चाहिए। तो सिर्फ एक ही बंधन है हमारे बीच, ये शादी।
अब इसकी भी क्या ही जरूरत है? तुम्हारी इस बात से हम पूरी तरह सहमत है काव्या, हमें शादी की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों की आपसी सहमति से अब आपका तलाक होने जा रहा है। काव्या बेटा मत करो ये, साथ फेरे लिए हैं, साथ जन्म साथ देने की कसम खाई है, इस रिश्ते को मत टूटने दो। ये रिश्ता आज नहीं टूट रहा है मां, ये तो कब का टूट चुका है, जब आपके बेटे ने हमें उमी भैया का कातिल कहा, जब हम पे शक किया, जब हमें धोखा दिया, और हर बार टूटे हुए टुकड़े समेट के जोड़े हैं हमने, पर इस बार नहीं। इस आदमी ने हमें अपने बच्चे का कातिल कहा है, अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना हमें। अधी बेटा मत करो ऐसा, बचा लो अपनी शादी को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.